हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक जो है डियर, इस बात के ऊपर है कि क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए, वो आपके पास लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है। थर्ड पार्टी डेली अपडेट में आज हम ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ वापस नहीं आ रहे हैं, तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात के ऊपर हम फोकस करेंगे डियर। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत इंतज़ार कर चुके हो, आपके पार्टनर जो हैं आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं आपसे दूर भाग रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ गई है और आपको ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट आ गया है, तो आपको आपका रिश्ता सही होगा या नहीं होगा, आपको इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्लियर तरीके से अगर हम बोलें तो यहां पर टॉपिक यही है कि क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स यहां पर क्या निकल के आ रहे हैं। क्या आपको आपके पार्टनर का वेट करना चाहिए अगर वो आपको छोड़कर चला गया है, या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स को कि अगर उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं या फिर उनके पार्टनर और उनके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, थर्ड पार्टी ब्रेकअप हो गया है, जो भी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से मेरे पार्टनर जो है मेरे व्यूवर्स जो है अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो क्या उन्हें अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, शफलिंग बहुत अच्छे से हो गई है और हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कार्ड आ रहा है। देखिए, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेकर बहुत सारी चीजें निकल रही है। देखिए, स्ट्रेंथ भी आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। एस ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है, लियो की एनर्जी आई है, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ नंबर्स मैं आपको साथ में बताती चलती हूँ। 8 नंबर जो है वो कुछ खास हो सकता है, 4 नंबर जो है कुछ खास हो सकता है, 7 नंबर जो है वो भी किसी तरह से आपके ये कोई खास नंबर हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। और डियर, यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आई है। 8 नंबर तो मुझे यहाँ पर खास दिखाई दे रहा है, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है। और देखते हैं कि कार्ड्स यहाँ पर क्या निकल के आ रहे हैं। ओ माय गॉड, हैंगमैन की एनर्जी है डियर। यहाँ पर हैंगमैन, आप देख पा रहे हैं कि हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर है इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस, कर्मा का कार्ड भी निकल के आ गया, द वर्ल्ड की भी एनर्जी यहां पर निकल के आई है। नेक्स्ट कार्ड यहां पर क्या निकल के आया है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहां पर दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स है डियर। और देखते हैं नेक्स्ट कार्ड यहां पर क्या निकल के आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहां पर क्या निकल के आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चलिए इसको हम यहाँ रखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है। चलिए, काफ़ी कार्ड्स हमने ले लिए हैं। बॉटम की एनर्जी को हम चेक कर लें कि बॉटम की एनर्जी से क्या निकलता है। बॉटम की एनर्जी से डियर यहाँ पर हमारे पास में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप देख रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स है, और डियर यहाँ से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स है मतलब कि दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिख रहा है, दिल के हालात बहुत ज़्यादा टूटे हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, ठीक है डियर। और अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको उनका इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डियर यहाँ पर उसी टॉपिक को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपको आपके पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपकी बात करी जाए तो आप अभी मुझे ऐसे इसमें दिख रहे हैं, आप अभी क्रॉस रोड पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, आप अभी क्रॉस रोड पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं डियर। अभी वेट करने का जो आपने वेट करा है ना, ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है। आप अब थक चुके हो, आप कहीं ना कहीं इतना इंतज़ार कर चुके हो उस इंसान का, आप इतना वेट कर चुके हो कि अब आपको ऐसा लगता है कि यार इस इंसान का इंतज़ार करने के अलावा आपने कुछ किया
ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसा लग रहा है 8 साल से इंतजार कर रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है, जो थर्ड पार्टी में चला गया है, वो आएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 4 साल हुए हैं, कुछ लोगों के लिए 7 साल हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ऐसी दिखाई दे रही है कि आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म से कई लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लंबे समय से कई लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने पार्टनर के वापस आने का। ठीक है, यहाँ पर इस पार्टनर को सुधरने के लिए आपने काफ़ी मौके दिए, समझने के लिए आपने काफ़ी मौके दिए। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आप चाहते थे कि आपका रिश्ता ना टूटे, आपने अपना बहुत समय दिया डियर इस इंसान को। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है मेरे व्यूवर्स, आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ समय दे चुके हो अपने पार्टनर को। जितना समय आपके पास था, जितना टाइम आपके पास था, आपने उस इंसान को दिया। और आपने वेट भी किया कि शायद वो इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आ जाए, शायद वो इंसान जो है आपकी तरफ आ जाए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपको लग रहा है कि ये पार्टनर जो है सुधरेगा। आपको कहीं ना कहीं कोई उम्मीद होती है ना एक इंसान को कि नहीं यार, इस रिश्ते में मैं अपना टाइम दे रही हूँ, इस रिश्ते में मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर जो है वो सुधरेगा। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जो है यही उम्मीद पर हैं कि ये पार्टनर जो है सुधरेगा और डियर सुधर के आपकी तरफ आएगा। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अभी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। आप में से काफ़ी लोगों का ध्यान जो है मैं देख रही हूँ कि अपने रिलेशन को लेकर है, अपने पार्टनर के ऊपर है। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर रहे हो। और डियर ये भी दिखाई दे रहा है कि पार्टनर आपको जो है ना, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको किस क्लियरिटी नहीं दे रहा है। मतलब होता है ना कि आपके पार्टनर जो हैं आपको क्लियरिटी देने के नाम पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जब जब आपने इस इंसान से रिलेशनशिप को लेकर या फिर स्टेबिलिटी को लेकर कोई बात करी है, तो ये इंसान जो है झुलसा जाता है ना, लड़ लेता है। क्लियरिटी के नाम पर इस इंसान ने आपको बहुत कन्फ्यूज़ रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे चुके हो और उम्मीद भी रखते हो कि यार ये इंसान जो है खुद ब खुद कहीं ना कहीं सही डिसीजन ले ले, कहीं ना खुद ब खुद कुछ अच्छा कर ले, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, आप अब क्लियरिटी अपने लाइफ में चाह रहे हो। आप इस तरह से हैंग्ड सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो मेरे व्यूवर्स। आपको लगता है कि इस इंसान का मैं इंतजार कर रही हूँ, इस इंसान का मैं वेट कर रही हूँ, मैंने इसे थर्ड पार्टी में जाने दिया, बहुत कुछ हो गया थर्ड पार्टी के कारण, मेरी लाइफ जो है, मेरा फ्यूचर जो है बहुत कुछ खराब किया है मेरे पार्टनर ने, लेकिन अब मुझे इंतजार है सिर्फ इस बात का कि मेरा पार्टनर जो है चाहे वो जहां पर भी है पर मुझे क्लियरिटी दे। ठीक है, आर या पार, ऐसी वाली नौबत आप चाहते हो कि भैया या तो इस पार आ जाओ या तो उस थर्ड पार्टी की तरफ चले जाओ। तो यहां पर ऐसी एनर्जी निकल रही है कि आप चाहते हो कि भाई निकल के आ जाओ, इस तरफ मेरी तरफ आ जाओ, या फिर उस थर्ड पार्टी के साथ में जा रहे हो तो चले जाओ, मुझे ऐसे बीच मझधार में मत लटकाओ, मुझे ऐसे बीच सिचुएशन में लटका के जाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लियरिटी चाहिए। मैं इस को लेकर बहुत सीरियस हूं और मैं इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूं कि इस रिश्ते में क्या है। ठीक है, यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके मन में यह भी रहता है कि रहना है मेरे साथ तो रहो भाई, नहीं रहना तो रिश्ता खत्म करो, है ना, रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, मुझे कंफ्यूजन में रखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हारा बहुत इंतजार करती रहती हूं, बहुत इंतजार किया है मैंने, थी था पर ध्यान नहीं देना है डियर। जैसा आपसे रेजोनेट हो आप उस तरह से उठा लीजिए। ठीक है, इंतजार करते करते आप भी थक गए हो। ठीक है मेरे व्यूवर्स, आप भी थक गई हो या थक गया हो, जो भी है वैसी एनर्जी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। आप बोलेंगे तो भी चलेगा डियर कि हाँ मैं तुम्हारी बातों में अब नहीं आने वाला, मैं तुम्हारी चीजों को अब समझ गया हूं या समझ गई हूं कि तुम मेरा को क्लियरिटी क्यों नहीं दे रहे हो। तो आपको कभी कभी डाउट भी होता है इस इंसान पर कि ये इंसान जो है आपको क्लियरिटी नहीं देता है, क्लियर बोलेगा या नहीं बोलेगा, आपको ये डाउट भी रहता है। और डियर एंड
मुझे दिखाई दे रहा है कि एंड तक आपको, मतलब आखिरी उम्मीद तक आप यहाँ पर बने हुए हो। आपको आज भी उम्मीद है इस इंसान की कि ये इंसान जो है शायद कहीं ना कहीं सुधर जाएगा, कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ जाएगा और फिर ये आपकी तरफ आएगा। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हेडेक होने लगा है आपको इस बात को बार बार सोच सोच कर। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स, आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहने लगे हो, बहुत ज़्यादा हेडेक लेने लगे हो। अब रिश्ते को लेकर आप चाहते हो कि ये रिश्ता जो है आगे बढ़े या फिर इस रिश्ते से आप मूव ऑन हो जाओ, है ना? क्योंकि आपको क्लियरिटी चाहिए। आप पार्टनर के दिल के बातें, पार्टनर के दिल की जज्बातों को भी सुनना चाहते हैं। इस तरह से दो दो सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आप ये नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी भी बनी रहे, आप भी बने रहो, थर्ड पार्टी के चक्कर में आपका हार्ट ब्रोकन होता रहे। आप ऐसे सिचुएशन नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर पार्टनर अगर सही क्लियरिटी दे दे, सही चीज बता दे, तो आप आगे बढ़ सकते हो। आप मूव ऑन होने वाली स्थिति में भी दिखते हो। कभी कभी आप सोचते हो कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के निकल जाऊंगी, है ना, या निकल जाऊंगा। ये चीज दिख रही है। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ये पूछना चाहते हैं अपने पार्टनर से कि भाई तुम वाकई में अगर थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन रखना चाहते हो या फिर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, तो मेरी लाइफ को छोड़ दो ना, मुझे कंफ्यूजन में क्यों रख रहे हो। ना तुम इस थर्ड पार्टी के कारण डिसीजन ले पा रहे हो, ना तुम इस थर्ड पार्टी के कारण कोई क्लियरिटी दे रहे हो कि तुम्हें इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी हो सकती है, ठीक है डियर? तो इस कारण भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं फैमिली के चक्कर से। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। रिश्ते को सही करने में बहुत समय दे चुके हो मेरे व्यूवर्स आप अपने पार्टनर को। अब पेशेंस नहीं बचा है आपके अंदर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पेशेंस को खो चुके हो। आपके अंदर वो जो एक सब्र था ना, उसका बांध जो है वो टूट गया है। थर्ड पार्टी को लेकर चलना है आपको, तो आप ऐसा बता दो, या फिर आपको मेरे साथ में चलना है या मुझे अपना सकते हो तो वो बताओ कि आप मेरे साथ में इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, है ना? आप ये भी जानना चाहते हो अपने पार्टनर से कि भाई ये थर्ड पार्टी का मैटर जो है लाइफ से खत्म होगा या नहीं होगा, ये थर्ड पार्टी जो है मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। वो चीजें यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के चक्कर में आपने अपना बहुत टाइम अपने पार्टनर को दिया है और आपके पार्टनर जो है आपको चूज नहीं कर पाए हैं, आपको बता नहीं पाए हैं। उसको चूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि उसे थर्ड पार्टी चाहिए या आप। यहाँ पर कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर चलना है तो उसको चूज करो और भाई उसके साथ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है? और यहां पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पार्टनर जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। ये पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हैंग्ड हो चुके हैं, थोड़ा सा उल्टा लटक चुके हैं। और ये दिख रहा है कि ये पार्टनर जगलिंग वाले जोन में दिख रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कमिटमेंट के नाम पर इनको प्रॉब्लम होने लगती है। पार्टनर का मानना है कि अभी उन्हें और टाइम चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुके हो अपने पार्टनर को। पार्टनर का मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये नहीं तो वो चलेगी, ऐसा होता है ना कि तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही, ऐसा वाला हाल यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर दोनों को रख कर यही वाली स्थिति ला रहे हैं कि तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही वाली स्थिति को आपके पार्टनर ने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है डियर? आपको निकलने नहीं दे रहे हैं। आप अगर यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप अगर इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज हैं। तो आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं, आपको अपना भी नहीं रहे हैं इस थर्ड पार्टी के चक्कर में, और क्लियरिटी भी नहीं दे रहे हैं। आपको निकलने नहीं देना चाह रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उधर थर्ड पार्टी के साथ भी रह रहे हैं, हो सकता है आपको मना कर देते हैं कि नहीं मैं स्थितियों को सही करूंगा, थर्ड पार्टी को मना लूंगा, थर्ड पार्टी को समझा लूंगा, और फिर जाकर थर्ड पार्टी के पास जाकर चले भी जाते हैं, उसकी बातें मानने लगते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है?
आपको निकलने नहीं देंगे डियर आपके पार्टनर, क्योंकि अगर वो आपको छोड़ते हैं तो उन्हें भी पता है कि चीजें जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, पार्टनर के पास ही डिसीजन नहीं है तो फिर वो आपको डिसीजन कहाँ देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर यहाँ पर बहुत कंफ्यूज है, पार्टनर को डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पार्टनर ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकअप रखा है, होता है ना कि अगर आपके साथ में उनकी अच्छी नहीं पटी तो वो थर्ड पार्टी के साथ में चले जाएंगे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ में अच्छी नहीं पटी तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे। तो जैसे एक आपके पार्टनर ने बैकअप रखा है पीछे, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, और इस बैकअप के पीछे आपके पार्टनर का शातिर दिमाग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूं समझ लीजिए कि आपसे, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर का जो पार्टनर ने दूसरे शब्दों में आपसे कुछ वर्ड्स ऐसे कहे हैं, कुछ शब्द ऐसे कहे हैं जो आप आज तक भूले नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे मीनिंग आपसे बोल दिए हैं जिसको आप दिल पर लगाकर बैठ गए हो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे हैं, मैं इस रिश्ते में नहीं आना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा अपने कैरियर पर फोकस करना है, मुझे थोड़ा सा अपने फाइनेंस पर फोकस करना है, ये रिश्ता पार्टनर की तरफ से खत्म कर दिया गया है, ऐसे कुछ बातें यहाँ पर हुई है जिससे आपका दिल टूटा है। जब आपके पार्टनर ने आपसे बोला कि वो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो इस रिश्ते में आना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, तो वो चीज यहाँ पर निकल के आ रही है डियर। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर की तरफ से तो आपने ये सारी बातें सुन ली, पर आपका दिल इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं है, आपका दिल इस बात को नहीं मान रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो ऐसा कह सकता है। हो सकता है आपको लगता है कि पार्टनर किसी की मजबूरी में ऐसा कह रही है या कह रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अभी तक इनका वेट कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। आप में से मेरे व्यूवर्स जो यहाँ पर हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनका ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी, आज भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आएगा, थर्ड पार्टी से निकल कर आपसे बात करेगा, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। वेट कर रहे हो आप अभी भी कि उम्मीद रखे हुए हो कि आप सोचते हो कि ये वापस आ जाए, आप सोचते हो कि ये इंसान जो है वापस आकर आपसे बात करे, आपसे सॉरी बोले, आपसे गले मिले, आपको बोले कि इन्होंने जो भी ये गलतियां करी है उसके लिए इन्हें माफ कर दो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच रहे हैं, वेट कर रहे हो आप उनका, और वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, पार्टनर भी बहुत कुछ सोच रहे हैं यहाँ पर। और डियर मैं आपको बता दूं कि इस रिश्ते को आप खत्म नहीं कर रहे हो, मेरे व्यूवर्स आप खुद खत्म नहीं कर रहे हो, पार्टनर की तरफ से तो खत्म कर दिया गया था, पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते का कहीं ना कहीं एंड कर दिया गया था, पार्टनर ने ये सोच लिया था कि वो आपके साथ में रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में, कैरियर में अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आए, वो घर परिवार फैमिली जिम्मेदारियों में उलझ जाएं, ऐसा नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, इसलिए रिश्ते को वो खत्म कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन आप रिश्ते को बचा रहे हो, आप रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हो, अपनी तरफ से उम्मीद है आपको। देखिए आपको लगता है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा था, आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था, पर रिश्ते में प्यार था, स्ट्रांग रिलेशनशिप था आप दोनों का, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था आप दोनों का, पॉजिटिव रिलेशनशिप है डियर आप दोनों का। आप नहीं जी पाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया तो आप शायद नहीं जी पाओगे, आपने इसके लिए अपने घर वाले, आपने अपने इसके लिए अपने रिश्तेदार सबको कहीं ना कहीं दांव पर लगा दिया है। देखिए यहां कोई आप या पार्टनर दोनों में से कोई एक रिलेशनशिप के लिए मेंटली इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं था। ठीक है, क्योंकि आप या तो आप थे या फिर आपका पार्टनर था, पर आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, एक दूसरे की तरफ कहीं ना कहीं खिंचाव महसूस किया, और आपने ये प्रपोजल, जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, या तो पार्टनर या तो आप, है ना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे पर एक्सेप्ट कर लिया। आपके रिश्ते में झूठ
पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते की जो बुनियाद है वो झूठ पर बनी है, ठीक है। आपका रिश्ता जो है वो झूठ पर टिका हुआ है, धोखा पर टिका हुआ है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फिर ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि ये रिश्ता जो है, ये रिलेशनशिप जो है, इसमें कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, फिर भी आप इनकी तरफ अट्रैक्ट थे, फिर भी आप इस रिश्ते से कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी थे। आपने देखा नहीं, सुना नहीं रिश्ते को अच्छे से, और डियर यहाँ पर आप इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। फिर ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें हो गई। रिश्ते की नींव कमजोर होना तो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ता है। हो सकता है कि इस इंसान ने जब शुरू में मिला था तो आपके साथ में गलत किया था, शुरू में मिला था तो आपको झूठ बोला था। वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि जो झूठ बोले, जो ये किया, वो कहीं ना कहीं इनके आगे आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है। आपके पार्टनर चाहते तो वो आपको कभी धोखा नहीं देते, वो थर्ड पार्टी को भी समझाते और आपको भी समझाते, अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो डियर। लेकिन ये थर्ड पार्टी बात बात पे कहती है कि अगर आप अच्छे होते तो आप अपने पार्टनर को छोड़ देते, आप आज तक अपने पार्टनर को नहीं छोड़ पाए हो। यही बात का दुख इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा रहता है। बहुत बातें बोली गई है डियर, ये पार्टनर ने आपको बातों से भी मारा है। ये जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर ने आपको बातों से भी मारा है। हो सकता है कि बातें बहुत अच्छी अच्छी करते थे आपके पार्टनर। डियर देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर रिश्ता तो दोनों तरफ से चलता है, लेकिन अगर एक की भी सोच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो रिश्ता जो है वो खत्म हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई तो था, या तो आपके पार्टनर की ही एनर्जी ज्यादा मिल रही है, या फिर आप, है ना, कि जिसको कहीं ना कहीं ऐसा था कि इस रिलेशनशिप के लिए मेंटली अभी आप इतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे, या फिर इमोशनली ये था, लेकिन आपने फिर भी, हो सकता है कि पार्टनर का फेस देख के कि इतना अच्छा पार्टनर मुझे बाद में नहीं मिल पाएगा, या फिर इस पार्टनर का जो भी बैकग्राउंड था या जो भी स्टेटस था वो देख के एक्सेप्ट किया, या जो भी देखकर एक्सेप्ट किया, पर आपने एक्सेप्ट तो कर लिया था, ठीक है। कुछ लोगों का अट्रैक्शन के कारण भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि ये रिश्ता जो है झूठ की कगार पर बना था, धोखा यहाँ पर लिखा हुआ था। फिर ये रिलेशनशिप जो है स्टार्ट हो गया। इस स्टार्ट हुए रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी, इस स्टार्ट हुए रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आने लगी। जिसकी नींव ही कमजोर हो वो रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? आप सोच सकते हैं कि जिसकी नींव ही कमजोर हो वो रिश्ता कभी नहीं जुड़ता है। डियर ये दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर ने आपको एक ऐसा हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी दी है जिससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। हो सकता है कि आपने इनसे बहुत सारी उम्मीदें रखी थी, आपने इनसे बहुत सारा एक्सेप्टेशन रखा था कि भाई ये इंसान जो है मेरी लाइफ के लिए बहुत कुछ करेगा, ये इंसान जो है मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन जब करने की बारी आई तो ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी से भाग गया, है ना, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, आपको लटका के रख दिया, आपको पूरी तरह से उलझा के रख दिया इस इंसान ने। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इंसान जो है आपको उलझा कर रख गए, आपको क्लियरिटी नहीं दे पाए, आपको बता नहीं पाए कि ये क्या चाहते हैं, है ना, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, आपको सेपरेशन दिया है, ठीक है, बहुत जख्म दिए हैं इस इंसान ने। हो सकता है कि आप आज भी उन जख्मों को भूल नहीं पाए हो, आज भी आप उन जख्मों को याद करते हो, आपको लगता है कि ये जख्म जो आपके पार्टनर ने दिए हैं वो कभी नहीं भरेंगे, फिर भी आप कहीं ना कहीं दिल से जो है इनके पीछे पड़े हुए हो। दिमाग जो है वो आपको कहता है कि भाई ये इंसान जो है जा चुका है आपकी ज़िंदगी से, लेकिन आपका दिल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो दिल और दिमाग की कश्मकश में आप जो हो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपको सेपरेशन दिया, बहुत जख्म दिए हैं, बहुत बातें बोली गई है। होता है ना कि इंसान के कैरेक्टर पर भी उंगली उठा दी जाती है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपके कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा उंगली
उठा चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है आपके पार्टनर ने, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बातें बोली गई है डियर, ये पार्टनर ने आपको बातों से भी मारा है। आज अगर आपका हेल्थ इशू चल रहा है, मेंटली आप प्रिपेयर नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि शारीरिक रूप से भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि डियर आपको जो जख्म मिले हैं आपके पार्टनर से, जो सेपरेशन मिला है, उससे मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हुए हो। बहुत ज़्यादा आपने अपने जो लक्ष्य था उस पर फोकस करना बंद कर दिया, आप अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाए, है ना। तो बहुत बातें बोली गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बातें आपसे डिस्कस करी आपके पार्टनर ने, या फिर आपसे जो बातें बोली है, आप वो बातों को दिल पर लेकर बैठ गए हो। आपको ऐसा लगता है कि क्या क्या बोल गया ये पार्टनर आपको, गलत गलत बातों को इन्होंने आपके सामने रख दिया गया है। बहुत बातें बोली गई है डियर, बहुत गलत तरीके से, गलत अंदाज से आपको इन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं। ये पार्टनर ने आपको बातों से भी मारा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को तो इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको उंगलियां उठाते रहे। आपके पार्टनर चाहते तो डियर यहां पर थर्ड पार्टी को समझा सकते थे, स्टैंड ले सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, अपनी स्ट्रेंथ और पावर का यूज कर सकते थे, लेकिन आपके पार्टनर का ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि धोखा देने की नियत थी, इसीलिए अपने फैमिली, अपने परिवार वाले, उनके सामने अपनी स्ट्रेंथ और पावर को नहीं रख पाए, वो वाली चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने आपका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया है, आपको धोखा दे दिया है, आप बहुत उदास हो चुके हो, जख्म इतने मिले हैं कि आप किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। ये पार्टनर ने आपको बातों से भी मार डाला है डियर, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बातें बातें कर इस इंसान ने आपको बहुत दुख दे दिया है, बहुत दुख दे दिया है, और उस दुख के कारण अब आपका जो ध्यान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना बातों के गलत ठहराया गया है आपको, है ना। तो उस गलती को आपने अपने ऊपर ले लिया है, बिना बताए आपको ये पार्टनर जो है छोड़कर चला गया है। हो सकता है कि ये इंसान जो है भाग गया है आपकी ज़िंदगी से, इस थर्ड पार्टी के पास में आप इंतज़ार करते रहे, आपको बताया भी नहीं कि इस इंसान को हो क्या रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये आपको बिना बताए भागा है। पार्टनर के कारण आप बहुत हर्ट हुए हो, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है, बहुत सफ़र कर रहे हो आप आज भी, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कोई आने का वेट कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी लाइफ में कोई इमोशनल होकर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो न्यू ऑफ़र आपकी तरफ लेके आ रहा है, और एक ऐसा ऑफ़र आपको मिलने वाला है, आप समझ सकते हैं, जिस इंसान के सीने में बहुत सारे इमोशंस है आपको लेकर, बहुत सारा प्यार है, और वो इस रिश्ते पे काम भी करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके लाइफ में कोई आने का वेट कर रहा है, आपके लाइफ में कोई आ सकता है, और कोई आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा। डियर ये बात लिख लीजिए कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व होगा, कोई ऐसा पर्सन इन जुड़ जाएगा, जिसके आ जाने से आपकी लाइफ जो है उसमें डियर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर के जाने के बाद, है ना, आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, उसके बाद आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपने बहुत अलोन टाइम कहीं ना कहीं निकाला है, इंतजार करते रहे, इंतजार भी ऐसा कि किसी को किसी की खबर ना हो, ऐसा वाला इंतजार आपने किया है। ये इंसान की आपको खबर भी नहीं कि इंसान जो है आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा, बस उम्मीद ही रखे हो कि इंसान जो है एक ना एक दिन आएगा, और बस उसी उम्मीद पर आप अभी तक वहां पर टिके रहे। आपने अपनी लाइफ, अपना कैरियर, अपने फैमिली सबको कहीं ना कहीं दांव पर लगा दिया है, और ये दिख रहा है कि आपकी जिंदगी की तरफ कोई सुनहरा ऑफर लेकर आ रहा है, कोई गुड न्यूज, कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, आपको अप्रोच कर सकता है, आपको किसी तरह का अप्रोच मिल सकता है, वो दिखाई दे रहा है। कोई धन से रिलेटेड कोई अप्रोच आपकी तरफ आ सकता है, पर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत स्टक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। इतना ज़्यादा उल्टे लटक चुके हो, जिंदगी के हर फैसले आप अकेले लेते आए थे, हर चीज़ आपने अकेले करी, पर आज आपके पार्टनर के इस गलत व्यवहार के कारण कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो चुके हो, कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मेरे व्यूवर्स, अभी भी आप इस
इस इंसान के बीच में लटके हुए हो। आज भी आपकी सांसें जो है इस इंसान के लिए अटक रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके पार्टनर चाहते तो इस थर्ड पार्टी का धज्जियां उड़ा देते, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी एनर्जी निकला है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से चिढ़ भी नहीं रहे हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पार्टनर है ना, देखिए ये जो थर्ड पार्टी है, मैंने कहा ना कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर भी चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये थर्ड पार्टी उलझा रही है। देखिए यहां पर मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर मेरे व्यूअर्स आप पास्ट में फंसे रहोगे तो आगे जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आगे जो सक्सेस आ रही है, उसको आप कैसे देखोगे, कैसे देख पाओगे उस चीजों को। आप क्लियरिटी चाहते हो, पार्टनर क्लियरिटी देना नहीं चाहता है, पार्टनर चीजों को समझना नहीं चाहता है, उसके बाद ही आप दूसरी तरफ देख पाओगे डियर। अगर आप जो है अपना ध्यान नहीं हटाओगे अपने पार्टनर के ऊपर से, उसके एनर्जीज के ऊपर से, तो डियर आप बहुत पछताओगे। वो मुझे दिख रहा है इस पार्टनर की वजह से आपने अपनी फैमिली दोस्त है ना उन सब से दुश्मनी ले ली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या लोग आपको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग आपको लेकर तरह तरह की फीलिंग्स रख रहे हैं, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आपने गलत किया है, बड़ी गलत बातें आपको बोली गई है। देखिए आपको अगर मैं बोलूं तो आपको अब चेंज की जरूरत है, आपको अब बदलना होगा डियर। अपने दिमाग को इस पार्टनर से निकालो, अपने दिमाग को इस पार्टनर से निकालो, पार्टनर की एनर्जी से आपको दूर रहना है। देखिए आप अगर अभी भी वेट कर रहे हो, आप अभी भी इस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये तो बहुत गलत है और बहुत ही गलत है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, थर्ड पार्टी का डर है इन्हें, थर्ड पार्टी से डरते हैं। और डियर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग आ रही है, शादी से रिलेटेड कोई प्रपोजल, कोई चीज आप तक आ सकती है। मुझे ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन था कि ये जो रिश्ता है जिसमें थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर चले गए हैं, ये जो रिश्ता है जिसमें थर्ड पार्टी आके अटक गई है, क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या आपको अभी अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि आपको आगे बढ़ जाना है, वो भी आप फोकस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप अभी क्रॉस रोड पर हो डियर, आप कंफ्यूज हो तो फिर कैसे क्या हो सकता है। आप अगर गलत डिसीजन में हो, गलत चीजों में हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कंफ्यूजन में हो, डियर यहां पर ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपने देखी कि किस तरह की निकली है डियर। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है एक्शन भी लेंगे, और यहाँ पर हार्ट ब्रोकन जो आप सफर कर रहे हो उस सफर से आपको बाहर निकालेंगे। ये ब्रेकअप नहीं होगा, यहाँ पर ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं आएगी डियर। यहाँ पर शादी, प्रपोजल, मेहनत, ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके डियर, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, कोई गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।